होगी। अच्छा घोस्ट है, नन्नू घोस्ट है। नन्नू क्या है तुम? मैं घोस्ट हूं। नन्नू घोस्ट है। और साथ में रहना खींचे। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंडियन ब्लॉगर विन्नी। और जैसे ही मैंने आज दरवाजा खोला ना, धुआंधार जो है वो बारिश हो रही है। हमारे यहाँ ना काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। कल तो एक वहाँ से मजदूर जो है ना वो नीचे गिर गया है, पता नहीं क्या जो है उसका हालत है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पता चलेगा। ग्रुप में तो अभी तक कुछ वैसा आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बारिश हुई थी कल, बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये अभी तुरंत बारिश हो के गई ही हुई है। गाइस मैं फिर बिज़ी हो गई निक्कू को स्कूल छोड़ने के लिए। इतना भगवान बारिश रात में हुई है ना, निकू स्कूल जाने से भी डर रहा है। बोल रहा है कि कहीं अगर बारिश नहीं हो रही बेटा, और रोड पे तो एटलीस्ट नहीं होगा पानी, ये मुझे मन। हाँ रोड पे नहीं होगा, धूम के पानी हुई है नोएडा में। चलो भाई टेक केयर। हाँ बाय, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत खूबसूरत जो है वो मौसम लग रहा है, लेकिन जिसको काम पे जाना है उसको तो निकलना ही होगा। ओ मेरे चुन्नू का मुन्नू उठ गया, मेरा पुन्नू का मुन्नू। राधे राधे, राधे राधे मेरा पुन्नू। नो राधे राधे। आप देखते हैं भैया स्कूल गया। निकल जाएगा पूरा गीला गीला है ना। नन्नू बाईस हुई नन्नू। सैटरडे को निकू गया। बाय निकू, वो जा रहा है देखो भैया। बाय निकू, गणपति बप्पा मोरिया। ओ नन्नू राधे राधे तो कर दो भाई को। है बेटा गीला है, गिरोगी धप धप धप। नीचे दिखाती हूँ आपको, ये पूरी जो है ना वो गीली गीली है। ये दरवाजा बंद कर दूंगी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मक्खियां हैं, जब तक क्लीन नहीं होगा ना तो वो अंदर घुस जाएगी। गुड मॉर्निंग। निकू चल गया है, उसे मैंने दिया है पोहा बना के क्योंकि आज सैटरडे था। और यहाँ मैंने कुछ सत्तू बनाया है जो अभी जो है अभी इसे जो है वो फीलिंग करूंगी। गाइस आज फुल डे जो है बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि आज मैं मशीन भी लगाने वाली हूँ और साथ में जो है मेरी एक फ्रेंड है उनके यहाँ पूजा भी है, तो वो 3 बजे जानी है, लेकिन फिर भी सारा काम जो है कंप्लीट करना है। तो ये तो नाश्ता में जाएगा साहब का और हम लोग यही जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि पोहा मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था, थोड़ा सा था, तो नन्नू को बहुत पसंद है पोहा, उसके लिए थोड़ा सा रख दूँगी और जो बचेगा वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके नाश्ते में ले लेंगे। तो इसलिए पराठे भी बना ले रही हूँ और खिचड़ी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि निकू का आज ना फुल डे जो है कवर अप क्लास है। वैसे तो आज सेकेंड सैटरडे है तो छुट्टी होनी चाहिए थी उसके स्कूल में, लेकिन बहुत दिनों से उसका स्कूल बंद था ना, जिसके कारण जो है वो उसकी पढ़ाई आज कंटिन्यू की गई। तो मैं खिचड़ी भी बना ली, बच्चों के लिए थोड़ा ही बनाया था, तो उन्हें लोग दोनों को जो है दूंगी और मैं तैयार होने के लिए चले जाऊंगी क्योंकि मैं नीकू का ही वेट कर रही थी। अपना बॉटल ले लो। भी मैंने ले आया अभी तुरंत जाके, तो चलिए निकलते हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। गाइस सुबह से भगवान जो है ना इतनी बारिश लगाए हुए हैं, अभी भी पढ़ने लगा। आ जाओ ऊपर जा रही है नन्नू बाबू। लेकिन कॉइन गिराना नहीं, एक पहले ही गिरा चुके हैं। हाँ
यहीं आके ना हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कैसे जल्दी जल्दी तैयार हुई गाइस। नीचे भी नन्नू को नीकू को खाना लेके आई हूँ, स्कूल से आया है वो 3:30 बजे। फ्रेंड के घर पूजा है तो सेम ही टावर में है तो वहीं जा रही हूँ। हो गई खत्म, अब चलते हैं हम लोग घर क्योंकि मुझे मंदिर जाना है। जो है वो 7:30 हो रहा है, नीकू को कल ले जाना है प्लांट, उसे लाने जा रही हूँ, देखती हूँ मिलता है कि नहीं। कल नहीं मंडे को ले जाना है, लेकिन फिर भी मैं आज ही सोची क्या कि जा रही थी संध्या देने के लिए शाम को मंदिर, साड़ी मैंने खोल दिया, बहुत गर्मी लग रही थी और एक तो बारिश भी हुई थी ना, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था तो इसलिए मैंने खोल दिया था। और अभी दिया लगा के आई हूँ तो देखती हूँ इस नर्सरी में प्लांट मिलता है कि दो प्लांट लिया है, एक स्नेक प्लांट है और एक जेड प्लांट है, एक तो अपने लिए ली हूँ। हाँ मैं तो सोच रही थी ना कि तुलसी जी भी ले आनी है क्योंकि मैंने जो बीज डाला था ना वो एक भी लगता है ना कबूतर वो खा जाता है वो बीज रहता है, तो मैंने कुछ दिनों के लिए ढक भी रखा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए घर चलते हैं। नीकू का प्लांट तो आ गया, उसने बोला था प्लांट लाने के लिए, चले घर। नहीं लेके जाना है सब्जी वाला, लेके नहीं जाना, प्लांट लेके चले गए। और ये क्या हालत कर रखा है नन्नू, कौन फेंका ये सब सारा सामान? मेरी बेटी और तुम्हारी बहन नहीं, ठीक है वो ठीक है क्या? अरे बाजार में भीड़ है आज, ये 50 रुपीज़ का और ये 80 रुपीज़ का है, तो मैं गमले के साथ लेना चाह रही थी, तुम ऐसे ही ले जाना वहाँ स्कूल में, गमला देगा और क्या? हाँ मैं गमला एक भी नहीं दूंगी, सॉरी। हाँ बेटा नन्नू डर गई थी वो एक्टिंग बाज नन्नू, ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ, इसको रख लो। निको यही पॉलिथीन में तुम रख लो, एक एक नया नया फंडा होता है। वन महोत्सव मनाना है ना तो सब अपने से प्लांट लाते हैं, अपने से, ये नहीं कि बच्चों के माता पिता को बोल देते हैं कि 50-50 रुपीज का प्लांट लेते आओ, बस पॉलिथीन में रख के और ले जाओ, लेकिन वो हो जाना चाहिए ठीक है। हाँ एक और 6th क्लास की बिटिया भी ले रही थी तो उसने बोला कि जैस्मीन का फ्लावर चाहिए जिसमें फ्लावर हो, ठीक है, मतलब जैस्मीन का प्लांट चाहिए जिसमें फ्लावर हो, तो उसने वही जैस्मीन का ही लिया 100 रुपीज़ का क्योंकि वो फ्लावरिंग किया हुआ था। ऐसे ही लेते जाओ, तुमको वहाँ से पॉलिथीन वो काट के और उसको जमीन में लगा देगा। हाँ नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तुम भी कुछ पागल हो क्या? ये फट जाएगा, नहीं फटेगा, इसीलिए तो मैं भी रात में लाई। कितना बज रहा है देखो, 8:30 हो रहा है। अच्छा ये नन्नू पागल उगल तो नहीं हो गई? अच्छा घोस्ट है नन्नू, घोस्ट है नन्नू, क्या है तुम? नन्नू क्या है? नन्नू घोस्ट है, नन्नू क्या है? नन्नू एक बार और बोलो क्या हो तुम? नन्नू घोस्ट है, घोस्ट है, माई गॉड आई लव डैड वाला घोस्ट तो हमने नहीं देखा अभी तक। ठीक है घोस्ट बनो, कैसे बनते हैं? मम्मा का टी शर्ट पहन के ये घोस्ट बन रही है। हाँ हाँ तुम पूरा घोस्ट लग रही है, हो हेलोवीन हो घोस्ट है नन्नू। गाइस पूरा थक गए, अब कल सुबह जो है क्या होता है क्या नहीं होता है देखती हूँ, कल स्कूल इसको भेजती हूँ। पंखा चालू करो नन्नू, बहुत गर्मी लग रही है, छोड़ इसको पागल कहीं के। चले जल्दी से डिनर देते हैं बच्चों को। मैं घोस्ट हूँ, नया चीज़ ये सीखी है, मैं घोस्ट हूँ।
चलो आओ बेटा सोने के लिए आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। गाइज कल आपसे मिलेंगे, गाइज कल आपसे मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाइम आपको दिखाती हूँ कितना बज रहा है, 12:45। कल संडे छुट्टी किया है, पर इतना सभी मैंने ना पहले ही प्लांट ला दिया, आज ये सैटरडे को ही ला के रख दिया, जब भी मंदिर जा गई तो लेके चली आई, कि संडे कल बिजी रहते हैं और दुकानों में तो इतनी भीड़ रहती है संडे को, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही गई हूँ, गई थी। अरे क्या करी नन्नू, बात तो करने दे, वॉइस ओवर भी करूँगी ना तो मेरे माथे पे चढ़ के जो है वो टाण आण आण। बहुत बिजी आज का रूटीन था और एकदम हालत ख़राब थी, तो चले कोई नहीं, सुबह मिलते हैं, कल संडे का फुल डे आपसे के साथ जो है वो शेयर करूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।